अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और ढेरों खुशियां दे। तो प्लीज़ आप सब ने हम दोनों को सपोर्ट करना है, तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। हमने जो है सब्जी लगाई हुई है, तो सब्जी में ना वो जो छोटे छोटे घास वगैरह उगते हैं ना, उसको हम लोग साफ करने के लिए हैं। लहसुन लगाया हुआ है, लहसुन बहुत खूबसूरत है, खुशबू भी बहुत आ रही है। तो जो है ना अभी हम लोग वहाँ से साफ करने लगे हैं, तो आपको भी दिखाते हैं, साथ साथ रहिएगा। चलो रुजीना। तो यहाँ से तो साफ हो गया और इधर जो है ना वो रहता है, थोड़ा सा रहता है, काफी साफ हो गया है। तो ये जो है ना थोड़ा सा एरिया ये हमने अभी साफ करना है। सना और मैंने अभी देखते हैं कि स्पीड कौन लगाता है, सना लगाती क्या? मैं अभी सना तो अभी बैठ गई है, स्टार्ट करने लगी हूं भाई। तो मैं तो आप सबके साथ बातें करती रहेगी और सना जो है ना अभी स्टार्ट हो गई है साफ करने। ये देखे ये कितना घास उगा हुआ है, मतलब जैसे ये एरिया है ना बिल्कुल इसको ऐसे ही साफ करना है। और देखे कितना ज्यादा है, ये सारा हम लोगों ने साफ करना है और बिल्कुल इसी की तरह खूबसूरत कर देना है। और काफी शाम भी हो रही है, तो मैं और रजीना जो है ना शुरू हो गया साफ करने के लिए। आपके साथ साथ हमारे साथ साथ रहिएगा। हाँ जी जी व्यूअर्स, तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है लहसुन की। और जो है ना यहाँ पंजाब में जो ताज़ा ताज़ा लहसुन होता है उसकी तो बात ही कुछ और होती है। जब सिटीज़ में पहुँचता है शहरों में तो वो वाली बात नहीं रह जाती जो ताज़े लहसुन की होती है। तो हमें तो यहाँ पे बहुत मज़े का ताज़ा ताज़ा लहसुन मिलता है खाने के लिए। और देखे घास ये आसान नहीं है इसको निकालना, ये बहुत सख्त होता है। देखे इसकी जड़ें जो है ना नीचे तक होती हैं और कितनी लंबी हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ज़मीन के अंदर होता है, तो इसको निकालना इजी नहीं होता। इतनी बड़ी जड़ है जो मैंने निकाली है। और सना जो आप सबके साथ गप शप भी कर रही है, जल्दी जल्दी साथ में काम भी करो, ऊपर से इतनी शाम हो गई है, मगरिब की अजाले भी आने वाली है।